हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरमान है और आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तों आप ऑनलाइन सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों पहले भी मैंने दो वीडियो दो बैंक की बना दी है, जिसमें दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाई है SBI की और दूसरी वीडियो बनाई है HDFC की। SBI में दोस्तों मैंने तीन वीडियो बनाई है, जिसमें पहले मैंने बताया कि दोस्तों कैसे अप्लाई करते हैं, दूसरे में कैसे स्टेटस चेक करते हैं और तीसरे में दोस्तों अगर आपका क्रेडिट कार्ड बन के आता है तो उसको रजिस्टर कैसे करते हैं। इसी तरह दोस्तों मैंने HDFC में बताया कि पहली वीडियो में दोस्तों मैंने उसमें बताया कि कैसे उसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसका स्टेटस चेक करते हैं और कैसे दोस्तों उसको रजिस्टर करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप उन वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन SBI का और HDFC का अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए और आपको बताते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, जो भी आप यूज करते हैं। ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई। जैसे दोस्तों आप टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऊपर फर्स्ट में ऐड भी आ रहा है, आपको सिंपली ऐड पे ही क्लिक कर देना है। ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप डायरेक्ट citibank.com पे आ जाएंगे, सिटी बैंक की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों www.online.citibank.co.in पे आप आ गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे तीन कार्ड शो हो रहे हैं, सॉरी चार कार्ड शो हो रहे हैं, पहले में फ्यूल, दूसरे में शॉपिंग, तीसरे में कैशबैक और चौथे में ट्रैवल। अब दोस्तों आप इसमें से को सिलेक्ट करना है, इसमें से कौन सा कार्ड आपके लिए बेनिफिट है, आप जो ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ज्यादा पेट्रोल भरवाते हैं तो आप फ्यूल वाला सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर दोस्तों आप शॉपिंग करते हैं तो आप शॉपिंग सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर दोस्तों अगर आपको ज्यादा शॉपिंग करते हैं, अगर आपको कैशबैक चाहिए दोस्तों आप कैशबैक वाला यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रैवल है, अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप ट्रैवल वाला सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा कैशबैक मिलेगा। दोस्तों आप जिस पे, जैसे कि मैंने इस पे कैशबैक पे क्लिक किया, जैसे कैशबैक पे क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 5% कैशबैक ऑन मूवी टिकट परचेस। अगर दोस्तों आप कोई भी मूवी टिकट परचेस करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप सेकंड पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा 5% कैशबैक ऑन एल योर टेलीफोन बिल पेमेंट। अगर दोस्तों आप बिल पेमेंट करते हैं तब भी दोस्तों आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। दोस्तों लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा था सिटी बैंक कैशबैक कार्ड कम एट ए एनुअल कार्ड फी 500 रुपीज। या दोस्तों आपको इसका जो साल की फीस है वो सिर्फ इसकी 500 रुपीज, आपको 500 पे करने होंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो डू यू हैव सिटी बैंक सेविंग अकाउंट, अगर है आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है, अगर दोस्तों आपने सिटी बैंक में खुलवा रखा तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें नो कर देता हूँ। फिलहाल दोस्तों अभी जैसे मैंने इसमें नो पर क्लिक किया तो इसकी जो ईमेल आईडी वो मेंशन है, ईमेल आईडी आपको डालना ही होगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस पड़ेगा, ईमेल आईडी और यहाँ पे फोन नंबर, उसके बाद ही प्रोसेस पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डाटा लिख के आ रहा है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेन और नेट रसीद, मतलब दोस्तों आप इंडिया का होने चाहिए। दूसरे दोस्तों आपके जो नेम है जो पेन कार्ड में वही डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो पेन कार्ड में वही डालना है, यहाँ पे पेन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल लिख के आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे प्रोफेशन, कंपनी नेम और डेस्टिनेशन, आप दोस्तों कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं वो नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों आपका डेस्टिनेशन वहाँ पे क्या है, आपका पोस्ट क्या है वो डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आप जो आधार कार्ड या फिर दोस्तों आपके पास वोटर आईडी है तो दोस्तों आपको आधार कार्ड और वोटर आईडी की यहाँ पे एड्रेस डाल देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे यहाँ पे लिखा रहा है प्रिपेयर्ड मेलिंग एड्रेस ऑफिस या रेसिडेंट। अगर दोस्तों आप ऑफिस सिलेक्ट करते हैं तो जो ये कार्ड होगा सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड वो दोस्तों ऑफिस में जाएगा, अगर दोस्तों आप रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं तो बन के दोस्तों आपको रेसिडेंट में डाला जाएगा। फिलहाल दोस्तों जहाँ पे आप परमानेंट रहते हो, परमानेंट अवेलेबल हो वहीं का सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप वहाँ का सिलेक्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों ये कार्ड वापस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर वापस को छोड़ो वेरिफिकेशन भी वहीं होगी, अगर आप वेरिफिकेशन ही नहीं करवा पाएंगे तो दोस्तों आपका कार्ड बनेगा ही नहीं, तो उसके बाद आएगा कहाँ से। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ नीचे आएंगे, मैं आपको नीचे ला के दिखा देता हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से इस पे क्लिक करना है, इसको टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है आर यू डायरेक्टर सीनियर ऑफिसर ऑफ सिटी बैंक एंड और देयर रिलेटिव एंड और डायरेक्टर ऑफ अदर बैंक एंड और देयर रिलेटिव। तो दोस्तों आप यहाँ पे अगर किसी बैंक में आपको कोई रिलेटिव है
इसका आप रेफरेंस नंबर के तौर पे दोस्तों आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि कोई नहीं है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर आपको कोई जानने वाला तो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में वो रेफरेंस नंबर आ जाएगा जिससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका कार्ड का स्टेटस क्या है। जैसे दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो दोस्तों आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं एलिजिबल हैं तो दोस्तों यहाँ पे आगे मैसेज आ जाएगा, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसे ही कुछ मैसेज आ जाएगा जिससे दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको सिटी बैंक की तरफ से कॉल आएगा, उस रेफरेंस नंबर से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। जब सिटी बैंक की तरफ से कॉल आएगा फिर दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट देना होगा जो भी आपने यहाँ पे सबमिट कराया है। उसके बाद दोस्तों 15 से 21 दिन के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे आपको इसको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।